तो हमने स्टार्ट किया था बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट्स, और हमने मेथोडोलॉजिकल बिहेवियरिज्म यानी के ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजी तक रीड आउट कर लिया था, और जेबी वॉटसन की कंट्रीब्यूशन कंप्लीट कर ली थी जो कि बेसिकली मेथोडोलॉजिकल बिहेवियरिज्म में आता है, वॉटसन की ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजी। आज हम टाइप्स ऑफ बिहेवियरिज्म का जिक्र करेंगे, स्टेजेस ऑफ बिहेवियरिज्म का जिक्र करेंगे। तो तीन तरह की टाइप्स बताई जाती हैं, या तीन तरह के फेजेस या स्टेजेस ऑफ बिहेवियरिज्म, या फिर कह सकते हैं कि वेव्स ऑफ बिहेवियरिज्म बताई जाती हैं। पहला बिहेवियरिज्म तो डेफिनेटली वॉटसन का ही है, जो कि 1913 में आया था और 1930 तक बहुत पॉपुलर था। और जो वॉटसन का बिहेवियरिज्म था उसे मेथोडोलॉजिकल बिहेवियरिज्म के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड स्टेज को हम न्यू बिहेवियरिज्म के नाम से जानते हैं, जो कि 1913 में आई थी और 1960 तक ये इन एक्शन थी, और इसमें कंट्रीब्यूशन थी टॉलमैन की, हल की और स्किनर की, और तीनों तीन पॉइंट्स के ऊपर मुत्तफिक थे कि साइकोलॉजी में हमें लर्निंग पर रिसर्च करनी चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि ज़्यादातर जो बिहेवियर हैं उनके अंदर लॉ ऑफ कंडीशनिंग की इन्वॉल्वमेंट होती है। इसी वजह से न्यू बिहेवियरिज्म के जरिए हमारे पास ऑपरेंट कंडीशनिंग और ऑब्जर्वेशन लर्निंग के प्रिंसिपल्स आए थे। थर्ड नंबर पर था कि साइकोलॉजी को प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशनलिज्म जो है अडॉप्ट करना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशनलिज्म एक फिलॉसफी थी बेसिकली, कि हमें जब भी किसी कंसेप्ट को डिफाइन करना है तो हम इसको ऑपरेशनली डिफाइन करें, हम डेफिनेशन के साथ साथ उसके मतलब को डिफाइन करते हुए ये भी बताएं कि उस कंसेप्ट को मैयर किस तरह से करें। तो याद रखिएगा कि पूछा जा सकता है कि ऑपरेशनलिज्म का ताल्लुक किस स्टेज ऑफ बिहेवियर, किस वेव्स ऑफ बिहेवियरिज्म का से था, तो इसका ताल्लुक सेकंड स्टेज ऑफ बिहेवियरिज्म यानी के न्यू बिहेवियरिज्म से था। तो न्यू बिहेवियरिस्ट वो साइकोलॉजिस्ट या वो बिहेवियरिस्ट थे जिन्होंने पहली बार बाकायदा तौर पर प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशनलिज्म को इंक्लूड किया था साइकोलॉजी में। और खास तौर पर अगर हम बिहेवियरिज्म के कंटेक्स्ट में बात करें तो न्यू बिहेवियरिज्म ने फर्स्ट टाइम ऑपरेशनिज्म को साइकोलॉजी में या बिहेवियरिज्म में इंक्लूड किया था। यहाँ पर एक चीज समझना और याद रखना बहुत जरूरी है कि जब हम न्यू बिहेवियरिज्म की बात करते हैं तो मुख्तलिफ बुक्स में और मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर इसके हवाले से जो बिहेवियरिस्ट हैं या जो उनकी कंट्रीब्यूशन है उनमें थोड़ा सा फर्क, थोड़ा सा इख्तलाफ नजर आता है। कुछ बुक्स बताती हैं कि न्यू बिहेवियरिज्म का ताल्लुक टॉलमैन और हल से था, और कुछ हमें हमें ये बताती हैं कि टॉलमैन और हल और स्किनर तीनों से ही न्यू बिहेवियरिज्म का ताल्लुक था, या तीनों ही कंट्रीब्यूटर थे, तीनों की ही कंट्रीब्यूशन थी न्यू बिहेवियरिज्म में। अब जो कहते हैं कि सिर्फ टॉलमैन और हल का ताल्लुक था न्यू बिहेवियरिज्म से, तो वो स्किनर को एक और बिहेवियरिज्म के अंदर इंक्लूड करते हैं जो खुसी तौर पर सिर्फ स्किनर की कंट्रीब्यूशन पर मबनी है, जिसे हम रेडिकल बिहेवियरिज्म के नाम से जानते हैं। और जब आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स विजिट करेंगे या गूगल करेंगे टाइप्स ऑफ बिहेवियरिज्म, तो बिहेवियरिज्म आपके पास दो तरह के आएंगे, मेथोडोलॉजिकल बिहेवियरिज्म और रेडिकल बिहेवियरिज्म। मेथोडोलॉजिकल बिहेवियरिज्म में जेबी वॉटसन का बिहेवियरिज्म का जिक्र आएगा, और रेडिकल बिहेवियरिज्म में जिक्र किया जाएगा बी एफ स्किनर का। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हमने मेजोरिटी के साथ चलना है। इसी वजह से मैंने नोट्स में मेंशन कर दिया है कि जो न्यू बिहेवियरिज्म है इसमें तीन बिहेवियरिस्ट आते हैं, एडवर्ड टॉलमैन, क्लॉक हल और बी एफ स्किनर। और ये भी मेंशन कर दिया है कि जो स्किनर की कंट्रीब्यूशन है बिहेवियरिज्म में उनको रिकॉर्ड किया जाता है एक सेपरेट बिहेवियरिज्म के तौर पर, जिसे हम रेडिकल बिहेवियरिज्म के नाम से जानते हैं। अब आमतौर पर पूछ लिया जाता है डिफरेंस बिटवीन मेथोडोलॉजिकल बिहेवियरिज्म एंड रेडिकल बिहेवियरिज्म। तो मेथोडोलॉजिकल बिहेवियरिज्म हम पढ़ चुके हैं कि साइकोलॉजी इज अ प्योर एक्सपेरिमेंटल ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस, और इसका सब्जेक्ट मैटर बिहेवियर होना चाहिए, मेंटल प्रोसेस या मेंटल एक्सपीरियंस जैसी, या मेंटल इवेंट जैसी कोई चीज नहीं होती। इंट्रोस्पेक्शन एक वैलिड मेथड नहीं है, ये सब हम पढ़ चुके हैं ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजी में, जेबी वॉटसन की ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजी में, जो कि मेथोडोलॉजिकल बिहेवियरिज्म है।
यही सारी बातें तकरीबन आती हैं रेडिकल बिहेवियरिज्म में। बस एक फर्क ये है कि मेथोडोलॉजिकल बिहेवियरिज्म में इन एट बिहेवियर को रिजेक्ट कर दिया गया था, या जो रोल ऑफ जीन्स है हमारे बिहेवियर पर उसको रिजेक्ट कर दिया गया था फ्रॉम जेबी वॉटसन। लेकिन बी एफ स्किनर का कहना था कि इन एट बिहेवियर एग्जिस्ट करते हैं और हमारे बिहेवियर में रोल होता है जीन्स का, और हमारे बिहेवियर में बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स की भी मौजूदगी होती है। और आज हम ये बात जानते भी हैं कि हमारी बायोलॉजी जो है हमारे बिहेवियर पर इफेक्ट करती है। तो ये फर्क है बिटवीन मेथोडोलॉजिकल बिहेवियरिज्म एंड रेडिकल बिहेवियरिज्म। थर्ड स्टेज हमारे पास आती है 1960 में, जो कि चलती है 1990 तक। इस स्टेज को हम न्यू न्यू बिहेवियरिज्म या सोशल बिहेवियरिज्म के नाम से जानते हैं, और ये वो स्टेज थी या वो बिहेवियरिज्म था जिसकी वजह से आगे चलकर कोग्निटिव साइकोलॉजी एज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इमर्ज हुई, क्योंकि इसके पीछे ये स्कूल ऑफ थॉट मौजूद था जिसे हम न्यू न्यू बिहेवियरिज्म या सोशियो बिहेवियरिज्म के नाम से जानते हैं। तो जो सोशियो बिहेवियरिस्ट थे या जो न्यू न्यू बिहेवियरिस्ट थे जिनमें एल्बर्ट बैंडूरा और रूटर शामिल थे, उन्होंने बिहेवियर पर ही रिसर्चेस की थी, लेकिन उन्होंने कॉग्निटिव प्रोसेसेस का इफेक्ट देखा था हमारे बिहेवियर पर, या जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं, कॉग्निटिव प्रोसेसेस का जो इफेक्ट होता है उनको बतौर इंटरवीनिंग वेरिएबल, बतौर मीडिएटिंग वेरिएबल या बतौर मीडिएटर स्टडी किया था। तो हमने मेथोडोलॉजिकल बिहेवियरिज्म कवर कर लिया है। अब हम चलेंगे न्यू बिहेवियरिज्म की जानब और हम बात करेंगे हल की और टॉलमैन की। तो चलें शुरू करते हैं। तो जब हम टॉलमैन की बात करते हैं तो हमें लेटेंट लर्निंग याद आती है और हमें कॉग्निटिव मैप्स याद आते हैं जिन्हें हम स्पेटियल मेमोरी भी कहते हैं, और इंशाल्लाह ताला इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम डिटेल डिस्कस करेंगे लर्निंग के चैप्टर में। अब 1932 में एडवर्ड टॉलमैन ने अपनी एक बुक पब्लिश की थी जिसका टाइटल था परपोसिव बिहेवियर इन एनिमल एंड मैन, और उन्होंने एक टर्म कॉइन की थी जिसे हम परपोसिव बिहेवियर के नाम से जानते हैं। परपोसिव बिहेवियर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हमें बताता है कि हमें बिहेवियर को ऑब्जेक्टिवली स्टडी तो करना चाहिए लेकिन बिहेवियर का पर्पस भी देखना चाहिए, हम बिहेवियर का गोल भी देखें। लेकिन जब उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने ये टर्म कॉइन की, तो जेबी वॉटसन ने उनके ऊपर अटैक किया और उनको इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया, एडवर्ड टॉलमैन के परपोसिव बिहेवियरिज्म के कॉन्सेप्ट को, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर हम बिहेवियरिज्म में बिहेवियर के पर्पस को जानने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम कॉन्शियसनेस को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब कॉन्शियसनेस की बात आती है तो इसका मतलब हम इंट्रोस्पेक्शन की बात कर रहे हैं। इसी वजह से जो परपोसिव बिहेवियर है ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जेबी वॉटसन इंट्रोस्पेक्शन को भी एक वैलिड मेथड नहीं मानते थे और कॉन्शियसनेस या कॉन्शियस मेंटल प्रोसेसेस जैसी टर्म्स के ऊपर बिलीव नहीं करते थे, बल्कि वो कहते थे कि हमें सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर को स्टडी करना चाहिए और हमारा सब्जेक्ट मैटर सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना होना चाहिए। लेकिन टॉलमैन ने कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन मैं नहीं मानता कि जो हमारा बिहेवियर है उसके पीछे कोई पर्पस नहीं होता। जो हमारा बिहेवियर है उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है, कोई ना कोई गोल होता है। और फिर उन्होंने रिसर्च करना शुरू कर दी थी, उनके मुताबिक जो हमारे एक्शंस या जो हमारे बिहेवियर होते हैं वो गोल डायरेक्टेड होते हैं। एडवर्ड टॉलमैन के मुताबिक हमारे हर बिहेवियर में छुपा एक पर्पस होता है, एक गोल होता है, जिसकी वजह से हम वो बिहेवियर परफॉर्म कर रहे होते हैं या वो बिहेवियर परफॉर्म करते हैं। अब उन्होंने स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के दरमियान कुछ इंटरवीनिंग वेरिएबल्स या कुछ मीडिएटर या कुछ मीडिएटिंग वेरिएबल्स का जिक्र किया था। पहले तो उन्होंने पांच तरह के वेरिएबल्स बताए थे और उनके मुताबिक ये पांच तरह के जो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं जो किसी ना किसी बिहेवियर को कॉज करते हैं, और इन ही पांच तरह के इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी बिहेवियर को परफॉर्म करता है। उनमें शामिल हैं एनवायरमेंटल स्टिमुलाई,
फिजियोलॉजिकली ड्राइव्स, हेरिडिटी, प्रीवियस ट्रेनिंग और एज। तो यहाँ पर उन्होंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जिक्र किया था, वहां पर उन्होंने आईवी और डीवी के दरमियान मौजूद इंटरवीनिंग वेरिएबल्स को भी आइडेंटिफाई किया था, वहां पर उन्होंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान मौजूद इंटरवीनिंग वेरिएबल को डिस्क्राइब किया था, और उनका कहना था कि हमारे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के दरमियान कुछ इंटरवीनिंग वेरिएबल्स होते हैं, कुछ मीडिएटिंग वेरिएबल्स होते हैं, कुछ मीडिएटर्स होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक स्टिमुलाई आया और उसका फौरन से रिस्पॉन्स कर दिया एक ऑर्गेनिज्म ने, बल्कि उसके दरमियान कुछ मीडिएटर प्रोसेस मौजूद होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म को मजबूर करते हैं, फोर्स करते हैं कि वो रिस्पॉन्स करे या ना करे, और उसका रिस्पॉन्स कितनी इंटेंसिटी का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं ये ऑब्जर्वेबल होते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर या रिस्पॉन्स होता है वो भी ऑब्जर्वेबल होता है, लेकिन उनके दरमियान कुछ अनऑब्जर्वेबल वेरिएबल्स या फैक्टर होते हैं जिसको उन्होंने इंटरवीनिंग वेरिएबल्स का नाम दिया था। और उन्होंने कहा था कि आईवी होते हैं ये डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं होते, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं इनको हम डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते, उनके दरमियान कुछ इंटरवीनिंग वेरिएबल होते हैं जो कि एक्चुअली डिटरमाइन करते हैं बिहेवियर को। तो यहाँ से वुडवर्थ की SOR थ्योरी जो थी वो ज्यादा स्ट्रेंथन हो गई थी, क्योंकि बेसिकली वुडवर्थ का भी यही कहना था कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के दरमियान ऑर्गेनिज्म मौजूद होता है और उस ऑर्गेनिज्म का इफेक्ट होता है रिस्पॉन्स पर। उन्होंने भी लर्निंग थ्योरी दी थी, उन्होंने थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट को रिजेक्ट कर दिया था, और उनका कहना था कि सिर्फ रीइंफोर्समेंट या रिवॉर्ड या कॉन्सिक्वेंस ही ऑर्गेनिज्म के रिस्पॉन्स या बिहेवियर को इफेक्ट नहीं करता, बल्कि जो कॉग्निटिव एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनका भी रोल होता है। इसी वजह से उन्होंने पहली बार लर्निंग की कॉग्निटिव एक्सप्लेनेशन दी थी, और इसी वजह से टॉलमैन ने लेटेंट लर्निंग दी थी, इसे हम कॉग्निटिव लर्निंग का हिस्सा मानते हैं ना कि बिहेवियरल लर्निंग का। हालांकि था ये बिहेवियरिज्म, लेकिन टॉलमैन की लेटेंट लर्निंग को हम कॉग्निटिव लर्निंग के नाम से जानते हैं और इसे हम कॉग्निटिव लर्निंग का हिस्सा मानते हैं। अब उन्होंने कहा था कि जब किसी एक को एक टास्क बार बार रिपीट करने को दिया जाता है और कोई एक टास्क बार बार रिपीट किया जाता है, तो ऑर्गेनिज्म की एक्सपेक्टेशन और एनवायरमेंटल क्यूज के दरमियान एक रिलेशनशिप बन जाता है, और उस रिलेशनशिप को हम लर्न कर लेते हैं। अगर हम इसकी डेली लाइफ से एग्जाम्पल देखें, तो फॉर एग्जाम्पल हम थर्सडे को एक गली से गुजरते हैं। आमतौर पर हमारे यहाँ होता क्या है कि थर्सडे को जुमेरात को कोई ना कोई चीज़ बांट दी जाती है, तो जब हम वहाँ से गुजरे तो दो तीन घरों में कोई चीज़ बट रही थी, हमने वो ले ली। अब नेक्स्ट थर्सडे को, नेक्स्ट जुमेरात को गुजरे तब भी ऐसा था, इसके बाद नेक्स्ट अभी वेडनेसडे था तो आपके जहन में आया कि कल थर्सडे है तो मैं उस फलां गली से गुजरूंगा तो मुझे कोई चीज मिलेगी, जलेबियां मिलेंगी, मुझे टॉफियां मिलेंगी। तो आपने बेसिकली किया क्या, आप में कॉग्निटिव एक्सपेक्टेशन पैदा हो गई जो कि एनवायरमेंटल क्यूज था, वो गली थी और थर्सडे का दिन था। टॉलमैन के मुताबिक कॉग्निटिव एक्सपेक्टेशन हम में पैदा हो जाती हैं, या हम कॉग्निटिव एक्सपेक्टेशन पैदा कर लेते हैं जो कि हमारे बिहेवियर पर असरअंदाज होती हैं, और हम रिलेशनशिप लर्न कर लेते हैं बिटवीन इन्वायरमेंटल क्यूज एंड दोज एक्सपेक्टेशन दैट वी हैव इन आवर माइंड। अब उन्होंने लर्न्ड रिलेशनशिप को साइन गेस्टॉल्ट का नाम दिया था। अब ये साइन गेस्टॉल्ट क्या होते हैं, हमारी एग्जाम्पल में जो वेडनेसडे को हमारे माइंड में आया था कि कल थर्सडे है और कल मुझे कोई बटती हुई चीज मिलेगी, तो वो हमारे माइंड में आना साइन गेस्टॉल्ट है अकॉर्डिंग टू टॉलमैन। तो आपने देखा कि अकॉर्डिंग टू टॉलमैन कॉग्निटिव एक्सपेक्टेशन हमारे बिहेवियर पर असरअंदाज होती है, रिमेम्बर इट। इसके बाद उन्होंने कॉग्निटिव मैप का कॉन्सेप्ट दिया था कि जब हम पहली मरतबा किसी जगह पर जाते हैं तो पूछ पूछ के जाते हैं, लेकिन जब दोबारा जाना होता है तो फौरन से पहुंच जाते हैं। तो
तो हमारे माइंड के अंदर उस जगह का एक मैप क्रिएट हो जाता है, इसी को हम कॉग्निटिव मैप कहते हैं। यही वजह है कि हमारे पेट एनिमल्स जब हम अपनी कैट्स को कहीं छोड़ आए तो वो दोबारा से हमारे घर वापस आ जाती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कॉग्निटिव मैप डिवेल्प हो चुका होता है, और बहुत से बर्ड्स में भी यही चीज डिवेल्प हो जाती है। तो जब भी एडवर्ड टॉलमैन का जिक्र आए, एडवर्ड टॉलमैन की बात आए, तो आपके जहन में लेटेंट लर्निंग आ जानी चाहिए। आप लोग लेटेंट लर्निंग को याद रखिएगा, कॉग्निटिव मैप को याद रखिएगा, कॉग्निटिव एक्सपेक्टेशन को याद रखना है, और इंटरवीनिंग वेरिएबल्स को याद रखना है। नेक्स्ट न्यू बिहेवियरिस्ट हमारे पास आते हैं, क्लॉग लियोनार्ड हल। अब इनकी हम कंट्रीब्यूशन को देखेंगे। अब ये समझते थे कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो इंसान हैं, वो मशीन हैं, और इसी वजह से इनके एक कंसेप्ट को हम मशीनिज्म के नाम से जानते हैं। इनका कहना ये था कि अगर हम इंसानों को मशीन के तौर पर लेंगे तो मुस्तकबिल में हम ऐसी ही चीज पैदा कर लेंगे जो इंसानों की तरह सोच सकती है और इंसानों की तरह कॉग्निटिव फंक्शन को परफॉर्म कर सकेंगी। और आज हम जानते हैं कि रोबोटिक एक पूरी फील्ड बन चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी जानते हैं, और अब तो ट्रांस ह्यूमनिज्म के ऊपर भी काम हो रहा है। नेक्स्ट उनका कॉन्सेप्ट है हाइपोथेटिक डिडक्टिव मेथड का, जो कि बेसिकली रिसर्च मेथड था। उन्होंने चार तरह के मेथड्स दिए थे और चार तरह के मेथड्स को वैलिड करार दिया था, क्योंकि क्लॉग लियोनार्ड हल साइंटिफिक नेचर के इंसान थे, और जो चार तरह के रिसर्च मेथड उन्होंने दिए उनमें से तीन मेथड तो ऑलरेडी इन यूज थे, ऑलरेडी इन एक्शन थे। उन तीन मेथड्स में शामिल सिंपल ऑब्जर्वेशन है, सिस्टमैटिक कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन है, और एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है, और उन्होंने फोर्थ मेथड इंट्रोड्यूस करवाया था जिसको हम हाइपोथेटिक डिडक्टिव मेथड के नाम से जानते हैं। इस मेथड में ये है कि हम पहले हाइपोथेसिस जनरेट करें जो कि एक्सपेरिमेंटली टेस्टेबल हो, और इसके बाद उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, और अगर आपको हाइपोथेसिस के मुताबिक रिजल्ट मिलता है फिर कंक्लूजन को शामिल कर लें साइंटिफिक लिटरेचर में, और अगर ऐसा नहीं होता तो आप उन हाइपोथेसिस को छोड़ दें, उनको रिजेक्ट कर दें। अब हम ड्राइव्स की बात करेंगे। ये कंसेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है हल की कंट्रीब्यूशन के हवाले से। तो उन्होंने कहा था कि जो नीड, बॉडीली नीड होती हैं, ये उस वक्त अराइज होती हैं जब हमारी बॉडी में होमियोस्टेसिस डिस्टर्ब हो जाता है। अब बायोलॉजी के स्टूडेंट जानते होंगे कि ये होमियोस्टेसिस क्या होता है। होमो मीन होता है सेम, एंड स्टेसिस मीन होता है चेंज इन कंडीशन, कि एनवायरनमेंट में चेंज आए लेकिन हमारी बॉडी उस चेंज में भी कांस्टेंट रहे, हमारा जो इनर टेम्परेचर है वो 37 डिग्री ही रहे। अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर नेगेटिव में है तो भी हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98 फॉरेनहाइट ही रहे, और अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इससे प्लस है तो भी हमारी बॉडी उसको मेंटेन करे। इनके अलावा हॉर्मोन्स की जितनी भी डिस्टर्बेंस हैं वो भी हमारी बॉडी मेंटेन करे। बेसिकली इस प्रोसेस को हम होमियोस्टेसिस के नाम से जानते हैं। लेट्स सपोज अगर पानी की मकदार में कमी वाक्या होती है ब्लड में, तो फिर प्यास लगना शुरू हो जाती है। तो जो पानी की कमी है वो बेसिकली नीड है, और जो प्यास लगी है वो ड्राइव है। नीड बायोलॉजिकली होती है और ड्राइव साइकोलॉजिकल होती है, और जो ड्राइव है वो हमें पुश करती है ताकि हम जाकर पानी ले लें। और जब हम पानी पीते हैं और प्यास बुझना शुरू होती है तो उसको हम ड्राइव रिडक्शन कहते हैं, कि हमारी ड्राइव में कमी वाकया होना शुरू हो गई। तो उन्होंने ड्राइव का कॉन्सेप्ट दिया था। तो याद रखिएगा कि ड्राइव साइकोलॉजिकल होती है। तो ये जो बात मैंने आपको बताई है कि ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के रेफरेंस से थी, यहाँ पर जो ड्राइव है वो एज इन इंटरचेंजिंग वेरिएबल या मीडिएटर के तौर पर हमने डिस्कस करनी है।
अगर हम हल की थ्योरी ऑफ लर्निंग की बात करें तो जो उनकी लर्निंग थ्योरी है वो बेस्ड करती है प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट पर, जिसको आगे लेकर चले थे बीएफ स्किनर और उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो कि प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट है और वो थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट की तरह ही है। अगर कॉन्सिक्वेंस पॉजिटिव है तो फिर बिहेवियर दोबारा से रूनमा होगा, अगर री इन्फोर्समेंट दी जा रही है तो फिर बिहेवियर रिपीट होगा इन फ्यूचर, अगर री इन्फोर्समेंट की जगह पनिशमेंट दी जा रही है तो बिहेवियर डिक्रीज हो जाएगा, बिहेवियर रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट यूज किया गया था कि एक स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप पाया जाता है और अगर वो दोबारा मुस्तकबिल में हमें नजर आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप में री इन्फोर्समेंट की मौजूदगी है, अगर री इन्फोर्समेंट की मौजूदगी ना होती तो वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप हमें फ्यूचर में होता हुआ नजर ना आता। लर्निंग थ्योरी में हल का कहना था कि अगर री इन्फोर्समेंट की मौजूदगी ना हो तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप फ्यूचर में हमें होता हुआ नजर नहीं आता। लेट्स सपोज अगर एक बच्चे को हम कुछ परफॉर्मेंस शो करने के लिए कहते हैं और वो बच्चा हमें एक अच्छी नात या एक अच्छा सॉन्ग एक गाना हमें सुनाता है और हम उसके रिवॉर्ड में क्लैपिंग करते हैं तो जो रिस्पॉन्स है वो उसका सॉन्ग है और जो क्लैपिंग है वो स्टिमुलस है। तो ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप है और ये बीएफ स्किनर के पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के मुताबिक है। अगर हम हल की लर्निंग थ्योरी की बात करें तो इस एग्जांपल को हम इस तरह से मोल्ड कर सकते हैं कि हमने एक बच्चे को कहा कि कुछ परफॉर्म करके दिखाओ और वो बच्चा गाना सुनाता है, गाना गाता है हमें और हम तालियां बजाते हैं तो कुछ परफॉर्म करके दिखाओ, ये एक स्टिमुलस है और उसके रिस्पॉन्स में वो गाना गाता है, ये उसका रिस्पॉन्स है और जो रीइंफोर्समेंट है वो क्लैपिंग है, वो तालियां बजाना है। अगर तालियां बजाई हैं तो नेक्स्ट टाइम उसको जब भी कोई परफॉर्मेंस शो करने का कहेगा तो वो सॉन्ग ही सिंग करेगा। अब अकॉर्डिंग टू हल अगर ये रीइंफोर्समेंट इसको दोबारा मिलती रहे, उसको बार बार रीइंफोर्समेंट मिलती रहे और वो सेम ही रिस्पॉन्स बार बार रिपीट करता रहे तो मीन ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप बार बार होता रहे और इस रिलेशनशिप के नतीजे में रिवॉर्ड में उसे रिवॉर्ड मिलता रहे या रीइंफोर्समेंट मिलती रहे तो इसको हल ने हैबिट स्ट्रेंथ का नाम दिया था। तो अकॉर्डिंग टू हल स्ट्रेंथ ऑफ एस आर कनेक्शन स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन कॉल्ड हैबिट स्ट्रेंथ। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हल ने कहा था कि लर्निंग कांट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ रीइंफोर्समेंट, लर्निंग कभी भी रीइंफोर्समेंट की एब्सेंस में अकर नहीं करती, लर्निंग के लिए रीइंफोर्समेंट की मौजूदगी बहुत जरूरी है। इसके अलावा हल के मुताबिक जब नीड जनरेट होती हैं, फॉर एग्जांपल वाटर की डेफिशिएंसी है तो फौरन से बिहेवियर जनरेट नहीं होगा बल्कि आप उस डेफिशिएंसी को उस बिहेवियर को उस नीड को सोचोगे, थिंक करोगे, उसमें एक टाइम कंज्यूम करोगे। ऐसा नहीं होगा कि नीड जनरेट हुई, आपको वाटर की डेफिशिएंसी हुई और आप फौरन से उठ के पानी पी लो, बल्कि आप एक मीडिएटिंग वेरिएबल या एक इंटरवेनिंग वेरिएबल में से गुजरेंगे, इसके दरमियान एक इंटरवेनिंग वेरिएबल या एक मीडिएटिंग वेरिएबल होगा जो कि ड्राइव है और ड्राइव आपको मजबूर करेगी पानी पीने पर। तो याद रखिएगा ड्राइव एक मीडिएटर है, एक मीडिएटिंग वेरिएबल है, एक इंटरवेनिंग वेरिएबल है बिटवीन नीड्स एंड बिहेवियर, और इस बिहेवियर को जो चीज एक्टिवेट कर रही है वो बेसिकली ड्राइव है ना कि नीड। नीड की वजह से बिहेवियर एक्टिव नहीं हो सकता बल्कि ड्राइव की वजह से बिहेवियर एक्टिव हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने ड्राइव की दो तरह की टाइप्स दी थी, प्राइमरी ड्राइव्स और सेकेंडरी ड्राइव। प्राइमरी ड्राइव ऐसी ड्राइव थी जिनका ताल्लुक बेसिकली
बायोलॉजिकल नीड से होता है, फूड, वाटर, एयर, टेम्परेचर, स्लीप, सेक्स, पेन वगैरह वगैरह, ये सब आते हैं प्राइमरी ड्राइव्स में। और सेकेंडरी ड्राइव जिनको लर्न्ड ड्राइव्स कहते हैं, ये डिवेलप होती हैं फ्रॉम प्राइमरी ड्राइव्स। अगर हम इसकी डेली लाइफ से एक एग्जांपल लेते हैं, तो मिसाल के तौर पर आपका हाथ चूल्हे पर जल गया और उसके बाद आपने पेन से छुटकारा हासिल करने की कोशिश की, तो पेन यहाँ पर ड्राइव के तौर पर काम कर रहा था, जिसकी वजह से आप मोटिवेटेड हुए और आपने फौरन से उठकर घर की होम रेमिडिटी यूज की और टूथपेस्ट उठाकर लगा ली, और फिर पेन जो है वो कम होना शुरू हो गया। और यहाँ पर जो ड्राइव है वो पेन है, और ड्राइव रिडक्शन आपने की है, उसके अंदर जो बिहेवियर इन्वॉल्व है वो टूथपेस्ट लगाना है। ड्राइव रिडक्शन में जो हमारा बिहेवियर है वो हमारा टूथपेस्ट लगाना है, लेकिन इसी असना में आपकी कंडीशनिंग हो गई है चूल्हे के साथ, जो कि सेकेंडरी ड्राइव है या के लर्न्ड ड्राइव है, क्योंकि आपका हाथ चूल्हे पर जला था, पेन आपको वहां से मिला था, इसी वजह से पेन जो है एसोसिएट हो गया, या पेन की कंडीशनिंग हो चुकी थी चूल्हे के साथ। जो चूल्हा था वो उस वक्त ड्राइव बना जब उसकी एसोसिएशन हुई पेन के साथ, जो कि एक प्राइमरी ड्राइव है। तो अकॉर्डिंग टू हल, सेकेंडरी या लर्न ड्राइव उस वक्त नमूदार होगी जब उसकी एसोसिएशन होगी, उसकी कंडीशनिंग होगी प्राइमरी ड्राइव के साथ। यहां तक कोई कंफ्यूजन?